कौन पकाता है? मामा। घर में खाना वीकेंड पे मैं पका लेता हूँ, कभी हेल्प कर देता हूँ। वैसे तो जो है वो मदर हैं या बेगम है, वही पकाती हैं। आपके घर में खाना कौन पकाता है? मेरी वाइफ बनाती है खाना। आटा गूंदा है कभी? हाँ नहीं, ये नहीं किया, ये तो ये ट्रेडिशनली वो तो वाइफ का काम है। लेकिन खाना बनाना किसको चाहिए, औरत को या मर्द को? ये बेसिकल तो औरत का काम है। आटा गूंदा है कभी आपने? नहीं, आटा नहीं गूंदा, मौका नहीं मिला कभी, या कभी इजाज़त भी नहीं मिली घर से। अच्छा, आपने कभी खुद कुकिंग की? मैंने कभी खुद से इस तरह से नहीं कुकिंग की, लेकिन तब मैंने घर में स्पोर्ट जो जाना की है बैठ कुछ कुकिंग में हेल्प कर देना, लाइक कुछ चीज़ें कट कर देना, वेजिटेबल्स वगैरह होगी। आई थिंक हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, तो हमारी सोसाइटी में अगर ये जनरल ट्रेंड चल रहा है और लोगों को फ्रीडम है इस रोल के लिए, तो आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज ए सोसाइटी में तो खवातीन ही करती हैं, ठीक है ना, और जेंट्स लोग तो जो है ना वो ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि उनकी फुल टाइम जॉब नहीं है। जिस तरह आपकी एक एग्जांपल है, हम छोटी सी कहते हैं बात करते हैं कि यहाँ से आप 5-स्टार होटल में चले जाओ खाना खाने में, और माँ के घर की हाथ की दाल खाने में आपको, मतलब मुहावरातन कहते हैं लेकिन वो ये चीज़ प्रूव होती है कि उसमें आपको ज़्यादा टेस्ट नज़र आता है और ज़्यादा टेस्ट मिलता है। मोस्टली मैंने देखा है कि लेडीज़ इन्जॉय भी करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तभी स्टार्ट होता है जब आप किसी को फोर्स करते हो, राइट। हम लोगों को एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना कि इफ़ समबडी इज़ कुकिंग तो हम उसको बैशिंग करना शुरू कर दें, उसका पैशन भी हो सकता है। अगर ये जो रोल्स हैं औरत के, खाना पकाने का, आटा गूंदने का स्किल है, पकाने का स्किल है, अगर ये वो छोड़ देगी तो इससे फैमिली सिस्टम भी मुतासर हो सकता है? डेफिनेटली मुतासर हो सकता है। देखें, हम एक ट्रेडिशन तो है ना, मतलब ये नहीं है कि छोड़ देगी, छोड़ना भी पड़ सकता है उसे। देखें, एक खातून अगर जॉब कर रही है, अब उससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो शाम को आके आटा गूंदे और सारे काम करे, तो आई थिंक वो वहाँ पे गलत है। लेकिन अगर एक जो है ना हाउस वाइफ है, तो वो ये काम अगर खुशी से कर रही है और करना चाहिए उसको, तो आई थिंक वो सिस्टम जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। हमारी जो घर की सिचुएशन होती है ना, एक लेडी जो आटा गूंद रही है, खाना पका रही है, या अपने फैमिली के लिए पास ऑन फेवर्स कर रही है, बिकॉज मेल इज़ आउट देयर समवेयर, लाइक इन हिज केस ही इज़ वर्किंग हेयर, तो घर में जितने काम करने वो किसने करने? हाउ वुड आई बी एबल टू मैनेज दैट इफ आई एम अगेंस्ट गर्ल्स कमिंग टू होम एंड डूइंग एवरीथिंग? तो हाउ एम आई? अगर किसी को हैप्पीनेस मिलती है खाना बना के, फॉर एग्जांपल अगर मेरी मदर है, वो मुझे कहती है कि मैं जब खाना बनाती हूँ किसी फैमिली के लिए तो मुझे इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। तो अगर उनको हैप्पीनेस उस तरह से मिल रही है तो वेल एंड गुड। वीकेंड पे अगर मैं बना लेता हूँ उनके लिए या कोई उनकी हेल्प कर देता हूँ, तो उससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है कि यार चलो मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी फैमिली को। जैसे चलता है, थिंक वो ठीक चल रहा है हमारा सिस्टम, यूरोप के मुकाबले में बहुत बेहतर है और अरबों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, वो दोनों एक एक्सट्रीम पे हैं। तो हम हमारे यहाँ खवातीन के राइट्स, ऑल दो एक सोसाइटी का एक कल्चर है वो थोड़ा सा एलिमेंट जो गलत है, तो बट आई थिंक हम बैलेंस चल रहे हैं और चलना चाहिए। वो शोर ज़्यादा डाला हुआ है, इतना डलना नहीं चाहिए। खाना खुद गर्म करो का पोस्टर पढ़ के आपको कैसा लगता है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं ये समझता हूँ कि ये हम गलत समझ जा रहे हैं। अगर मैं बाहर से आया हूँ तो मैं किसके लिए काम करके आया हूँ? डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए काम करके आया हूँ, डेफिनेटली मैं अपने बच्चों के लिए काम करके आया हूँ। मैं अपनी बीवी को नहीं कह सकता यार जाओ जाके दूध लेकर आओ, दही लेकर आओ, नहीं कह सकता। हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, दोनों वाइफ और हस्बैंड वर्किंग है, तो अगर आप वाइफ दोनों घर से निकलते हैं तो बच्चे की लाइफ में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है उसके पास कोई ना कोई पेरेंट्स में से होना चाहिए। तो मदर्स जो होती हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती अंटिल अनलेस फादर केयरिंग भी हो, सारा कुछ हो, लेकिन एक जो मदर कर सकती है वो फादर कभी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो द टाइम। अच्छा, अभी आपने जो बेबी केयर की बात की है, खवातीन अपना करियर छोड़ती हैं बच्चे की टेक केयर के लिए, कभी कोई एग्जांपल आपके जहन में है जहां पर मर्द ने अपना करियर छोड़ा हो बच्चा संभालने? इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, इस पर स्टडी भी कंडक्ट हुई थी। जो मदर्स होती हैं वो गोल ओरिएंटेड नीचे होता है, मदरहुड उनका ऊपर होता है, वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन एक मर्द जो होता है ना वो इसको सर पास कर जाता है, वो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द जो रहते हैं ना, वो इसके अंदर पेरेंट्स फुट में थोड़ा नीचे होते हैं। आपको लगता है कि मेरा खाना गर्म करो का पोस्टर अगर उनके जेंडर रोल से बाहर निकालेंगे तो फैमिली सिस्टम खतरे में पड़ सकता है? डेफिनेटली पड़ेगा सर, डेफिनेटली पड़ेगा। फैमिली सिस्टम ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हम पाकिस्तान में जितनी एथिक्स, जितनी वैल्यूज़ हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में हैं,
कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी दुनिया में इतनी वैल्यूज़ नहीं है फैमिलीज़ की। मैं जब अगले लास्ट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी, उसने कहा मुझे पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो ये लगती है कि एक लड़की की केयर करने के लिए उसका बाप, उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा। तो इससे ज़्यादा औरत को मुकाम और क्या चाहिए? इसके बदले में अगर खाना पका देती है, बना देती है, तो आई थिंक इट्स अ फेयर डील। सर उसके बदले में उसको केयर मिल रही है, उसको इज्जत मिल रही है, उसको चार दीवारी मिल रही है, उसको तहफ़ुज़ मिल रहा है। मुझे ये बताइए कि यूरोप में औरत को तहफ़ुज़ है? सबसे ज़्यादा तहफ़ुज़ औरत को अगर है कहीं तो वो आपके इस इलाके में है, आपके पाकिस्तान में है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट अ पेट्रियार्कल सिस्टम, तो है पेट्रियार्कल सिस्टम अभी भी कंसिडर होता है इस सोसाइटी में पाया जाता है। लेकिन द थिंग इज के अगर आप सिर्फ खाने को लेके करना चाह रहे हैं तो वो खाने में माँ का ही जो लजीज खाना है ना वो माँ का ही रहना चाहिए, ना कि उसमें बाप का हाथ का वो आएगा। और लेकिन माँ का हाथ का खाना माँ का हाथ का खाना। अच्छा, यानी पेट्रियार्की चेंज होनी चाहिए लेकिन खाने के मामले में चेंज, खाने के मामले में नहीं चेंज होनी चाहिए, वो माँ का हाथ का खाना होना चाहिए।